स्पीड बम्प ट्रक रेस्क्यू। रांची नाम के गांव में लालू नाम का सरपंच रहता था। वो बहुत लालची था। लालू और साहू नाम के कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिलकर सरकार जो भी सुविधाएं प्रबंध करती वो सारे पैसे ये दोनों ऐंठ लेते थे। एक दिन उस गांव में रक्षा नाम की एक टीचर आई। ये जानकर लालू और साहू उसके पास आए। नमस्ते मैडम, मेरा नाम लालू है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। आप तो समझ ही गई होंगी कि ऑफिशियली मैं इस गांव का राजा हूँ। अभी स्कूल की हालत देखकर सोच ही रही थी कि इस गांव का सरपंच निकम्मा है कौन, कि आप खुद ही आ गए। आपको मेरे तनख्वाह में से कमीशन चाहिए है क्या? अरे वाह, बस आप पढ़े लिखों से यही एक फायदा है, बिना कुछ कहे ही आप सब समझ जाते हैं। बस आप ही खुद ही देख लो और हर महीने थोड़ा बहुत पैसे घर भेज दिया करो। वैसे आप स्कूल ना भी आए तो चलेगा, मैं सब संभाल लूंगा, आपकी हाजिरी वगैरह सब। देखिए साहब, मुझे एक बात कहना है, मेरे काम के लिए सरकार मुझे पैसा देती है, मैं उसे किसी के साथ बांटने नहीं वाली। वैसे और कुछ कहना हो तो मैं अपने उच्च अधिकारियों के नंबर देती हूँ, आप उनसे बात कीजिए। ये बात सुनकर साहू लालू से, भैया अपनी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, चलो चुपचाप चलते हैं। अरे मेरे भोले साहू, ये सरकारी नौकर चाहे जितना भी ईमानदार क्यों ना हो, आखिरकार उन्हें मेरे सामने सिर झुकाना ही होगा। लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन से स्कूल की हालत खराब होते हुए भी रक्षा बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे खूब मन लगा कर पढ़ने लगे तो गांव वालों ने आकर रक्षा की खूब तारीफ की। सड़क की हालत खराब होने के कारण रक्षा को स्कूल आने में तकलीफ होती थी। रास्ते में चल रहे एक व्यक्ति को देखकर रक्षा, क्यों भैया, सड़क का हालत बहुत खराब है, कोई सरपंच से सवाल नहीं करेगा? क्या करें बहन, तुम तो उस निकम्मे को जानती ही हो, बहुत पहले ही रोड बनाने की अनुमति दे दी सरकार ने, लेकिन सुना है कि उन पैसों को कॉन्ट्रैक्टर और सरपंच ने आपस में बांट लिया। वो सरपंच अपना घर बना रहा है और उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ट्रकों में सामान भरकर ले जा रहा है। क्या करें, सब अपनी किस्मत है। अगर गांव वाले यूं ही चुप बैठेंगे तो और भी निडर हो जाएंगे। चलिए अभी के अभी हम सब मिलकर जाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं। यूं सारे गांव वाले मिलकर लालू और कॉन्ट्रैक्टर के पास गए। गांव वालों ने मिलकर उन दोनों से गांव के सड़कों के बारे में पूछा। अब लालू उन सब से, अरे सुनो, तुम इस टीचर को बोलो कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ाए, मुझे नहीं, मैं सड़कें नहीं बनवाऊंगा। जो करना हो कर लो, जिस किसी से शिकायत करनी हो जाकर करो, तुम्हारी मर्जी। कहकर लालू और साहू वहां से चले गए। देखो गांव वालों, उसको सबक सिखाने के लिए उसका जो नया घर बन रहा है उसके पास ही सड़क पर एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, तब देखते हैं कि वो क्या करता है। यूं उस रात को सब गांव वालों ने मिलकर लालू के घर की ओर जाने वाली सड़क के ऊपर एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर बनाया। बाद में लालू के घर की ओर ट्रक पर माल लेकर जाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने उस स्पीड ब्रेकर को देखा तो हैरान हो गया। तभी लालू वहां पहुंचा। वहां खड़े लोगों से, लालू तुम लोगों की ये हिम्मत, अरे चुपचाप इस स्पीड ब्रेकर को यहां से हटा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो सरपंच, जब तक तुम गांव के सड़क नहीं बनाते, अगर तुमने इस स्पीड ब्रेकर को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम कौन है। अगर तुम में हिम्मत हो तो इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ट्रक ले जाओ और अपना घर का निर्माण करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि गांव वाले कितना तकलीफ उठाते हैं। अरे मैडम, शर्त लगाने से पहले सोच लो कि तुम किससे शर्त लगा रही हो, ये तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना, ये शेर है। साहू चलो निकालो ट्रक, इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चलाओ, हम दिखाते हैं कि हम कौन है। अरे क्या पावर दिखाओगे भाई, के ऊपर से ट्रक ले गए तो ट्रक लोटनी खाएगी, तो नुकसान किसका होगा, अब तुम नुकसान भरोगे। वैसे तुम जानते हो ट्रक कितने का है, 50 लाख का है। क्यों रे कमीने, तुम मेरे पैसे खाते हो और तुम मुझे ही जवाब देते हो। कहकर लालू ने साहू को 4 थप्पड़ मारे, फिर खुद ही ट्रक में चढ़कर बैठ गया और ट्रक को स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चढ़ाने लगा। माल से भरे होने के कारण ट्रक थोड़े ऊपर जाकर फिर से नीचे फिसलने लगी, लेकिन बिना रुके लालू ने और एक्सेलरेटर दिया तो ट्रक स्पीड ब्रेकर के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद संतुलन खोकर ट्रक लोटनी खाने लगी। ये देखकर लालू ट्रक से कूद गया। इस तरह ट्रक का सारा माल नीचे बिखर गया और ट्रक को भी काफी नुकसान हो गया।
ये देखकर साहू लालू के पास आया और गुस्से में, अरे नालायक कमीने, तुझे कई बार समझाया तेरे समझ में नहीं आया, मेरे इतने बढ़िया ट्रक का नुकसान कर दिया, अब भरो हर जाना। अरे कमीने, ज्यादा नाटक करता है, जाओ इंश्योरेंस क्लेम करो। अरे क्या इंश्योरेंस क्लेम करूं, तूने जो काम किया है इसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं देता। यूं सबके सामने दोनों लड़ने लगे। उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर दोनों को खूब मारा। तब मार ना सहकर लालू ने लोगों से वादा किया कि वो सड़क बनाकर देगा। उसके बाद कुछ दिनों में ही लालू और साहू ने मिलकर अपने पैसों से गांव में सड़क बनवाया। ये देखकर गांव वालों ने रक्षा की खूब प्रशंसा की। ट्रैक्टर वर्सेस जेन पिट रेस्क्यू। जबलपुर नाम के गांव में गंगाधर नाम का गांव का प्रेसिडेंट रहता था। उनको भाटिया नाम का एक बेटा था। भाटिया को कपाड़ी नाम का एक दोस्त था। वे दोनों हमेशा खाली रहते हुए काम काज सब छोड़कर सड़क में जाते हुए लोगों को मार के गिरा के हमेशा सताते रहते थे। इनके ये हरकतों को कुछ दिन झेलकर एक दिन सब गांव वाले मिलकर गंगाधर के घर गए थे। भाई साहब, आपका बेटा और उनका दोस्त का शैतानी हरकतें बहुत बढ़ गए हैं। उनको कुछ कहना है तो आपका ही याद आता है। आपका अच्छाईपन देखकर हम अपने आप को रोक रहे हैं। भैया, आपका बेटा और वो कपाड़िया मिल गए तो दो बंदर का मिलना जैसा है। पूरा गांव में हल्ला करके सबको परेशान कर रहे हैं भैया। मैं भी वही सोच रहा हूँ जी, कितने बार कहने से भी ये दोनों येड़े नहीं सुधर रहे हैं, इसलिए मैं उनको व्यस्त रखने के लिए सोच रहा हूँ। हमारे गांव में रोड का नया कॉन्ट्रैक्ट आया है ना, वो उनको देने के लिए सोच रहा हूँ। जैसे भी वो काम में लग जाएंगे तो काम का मूल्य पता चलकर थोड़ा सुधर सकते हैं ना। कुछ ना कुछ तो करो भैया, लेकिन वो दोनों हमारे पास नहीं आना चाहिए। अगली बार हमें सताया तो हम सब मिलकर उनको खूब मारेंगे। कहकर सब लोग वहाँ से गुस्से से चले गए। अगले दिन कपाड़िया और भाटिया को बुलाकर प्रेसिडेंट ने उनको गांव का रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। पिताजी, अब देखते रहिए, हम दोनों मिलकर रोड बनाकर जोर दिखाकर हल्ला मचाएंगे। इस रोड के झटके से गांव में आपका नाम और भी रोशन हो जाना चाहिए पिताजी, ऐसे करते हैं। तब वो दोनों ट्रैक्टर में मिट्टी को लाकर जेसीबी से मिट्टी को लेवल करके थोड़े ही दिनों में अच्छा गुणवत्ता वाला रोड बनाए। ये देखकर लोग भी उन दोनों की बहुत तारीफ की। ऐसे चार दिन गुजरने के बाद फिर से वो दोनों बंदर जैसे हरकतें करके लोगों को फिर से सताना शुरू किया। तब सब गांव वाले मिलकर फिर से प्रेसिडेंट के पास जाकर इस बात के बारे में बताए। अरे अब तक जो हुआ सो हुआ, मेरा मुंह देखकर इस बार के लिए छोड़ दीजिए। उन दोनों येड़ों को बिजी रखने से रस्ते में आएंगे सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब इन दोनों को अलग ही करना है, यही एक रास्ता बचा है। फिर वहां से सब लोग चले गए। वो सब होने के थोड़े देर के बाद भाटिया और कपाड़िया प्रेसिडेंट के पास आए। क्या हुआ पितृ महाशय, गांव वाले मंदिर में भगवान के दर्शन की तरह आपके आगे पीछे ही घूम रहे हैं, क्या बात है? हमने बनाया हुआ रोड के बारे में है क्या सब चर्चे? अरे ओए, रोड के बारे में ही है, लेकिन उसमें एक बैच ने ट्रैक्टर से भाटिया ने अच्छा काम किया कह रहे हैं, और एक बैच ने जेसीबी से काम किया कपाड़िया ही ग्रेट है कह रहे हैं। तुम दोनों में कौन महान हो ये मुझे भी पता नहीं चल रहा है। अंकल, ट्रैक्टर से ज्यादा जेसीबी ही ग्रेट है, ये बात कह सकते थे ना? ऑब्वियसली भाटिया और कपाड़िया में कपाड़िया ही ग्रेट है। यार वो बकवास, जेसीबी कैसे ग्रेट है? मिट्टी और खंखड़ लाने वाला ट्रैक्टर ही ग्रेट है। सच में? ठीक है रे, कल सुबह ही देखता हूँ कौन ग्रेट है, तब तुम खुद मान लोगे। कहकर वहाँ से गुस्से से चला गया। अगले दिन एक जेसीबी को लाकर कपाड़िया रोड के बीच में एक बड़ा गड्ढा खोदकर
उसमें तालाब का पानी आए जैसा किया, फिर वो गड्ढा पूरा पानी से भर गया। थोड़ी देर के बाद ट्रैक्टर में लोगों से आते आते रास्ते के बीच में गड्ढा को देखकर भाटिया ने सडन ब्रेक मारा। उसकी वजह से ट्रैक्टर में से भाटिया उड़कर गड्ढे में गिर गया। क्यों रे, लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? देख लिया, मेरा जेसीबी का झटके के वजह से रोड में एक बड़ा सा गड्ढा और उसमें पानी और उसमें उड़कर तुम गिर गए हो। जाओ बेटा जाओ, घर जाके अच्छा साबुन से नहाओ और सो जाओ। मैं ही ग्रेट हूँ कहकर एड़े जैसे कटिंग मत दो मुझे। अबे ओए, इतने दिन तुमको दोस्त कहकर माना, मगर अब तुम ग्रेट हो या मैं ग्रेट हूँ ये अभी साबित हो जाना चाहिए। तुम मेरे ट्रैक्टर को नजरअंदाज कर रहे हैं ना, अभी देखते रहना, मिट्टी लाकर इस गड्ढे को ठीक करता हूँ। अबे ओए, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मर्यादा से तुम हार गए कहकर मान लोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं इधर का इधर तुम्हारा धुलाई करता हूँ। क्यों रे, इतना मत समझ रहे हैं अपने आप को, आ जाओ देखते हैं किस में कितना है दम। तब भाटिया बाहर निकलकर कपाड़िया के पास गया। अब दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। अबे ओए, तुमको मैं बचपन का दोस्त समझा था, लेकिन तुम अब ट्रल जेसीबी के लिए मुझे ही मारते हो। सेम टू सेम, मेरा भी वही फीलिंग है, तुम जैसे एड़े के साथ और कभी दोस्ती नहीं करता हूँ। उस दिन से भाटिया और कपाड़िया दोनों अलग हो गए और कभी भी एक दूसरे से एक नहीं मिले। गांव वालों को शांति मिलकर खुशी से रहने लगे। चालाक से भाटिया और कपाड़िया को अलग करने के लिए गांव वाले प्रेसिडेंट को प्रणाम किए, इनका प्रशंसा की। ट्रैक्टर वर्सेस अनफिनिश्ड रोड। विराजपुर नाम के गांव में हरि नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। वो बहुत ईमानदारी से सड़क बनाने का काम करता था। एक दिन उसके पास गांव का मुखिया नारंग आया। भाई हरी, हमारे गांव में नए सड़क बनाने का सैंक्शन हुआ है, ऊपर से काफी दबाव है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही दिया जाए। ठीक है, तुम्हें ही दे दूंगा वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें 25% पैसे मेरे घर भेज देना। देखिए मुखिया जी, पहले ही सरकार कम पैसे देती है, अब उसमें 25% अगर मैंने आपको दिया तो सड़क आधी अधूरी रह जाएगी। अब ये सब बातें तुम मुझे ना बताओ, मैं अपना 25% रख के बाकी पैसे तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। यूं कुछ दिनों बाद हरि ने एक सड़क बनवाया। उस सड़क को देखने के लिए गांव का मुखिया, उसका बेटा अखिरा और उसका असिस्टेंट भिक्षु आए। उस सड़क को देखकर नारंग, ए क्या सड़क यहीं तक बना है, अब बाकी सड़क कौन बनाएगा? देखिए मुखिया जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था, यहाँ से सड़क का लेवल बढ़ाते हुए जाना होगा, मुझे जो पैसे मिले उससे यहीं तक बना पाया मैं, अगर आप 25% और दें तो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। क्या, जो पैसे हमने लिए वो हम तुम्हें वापस करें हैं? ये सब नहीं चलेगा पिताजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने ट्रैक्टरों से 4-5 चक्कर लगवाया तो ये जो अनफिनिश्ड रोड है सब बराबर हो जाएगा। क्यों मुखिया जी, आपके बाद इस गांव का मुखिया आप ही का बेटा होगा ना? बेचारे ये गांव वाले बड़े किस्मत वाले हैं। आपके जो जी में आए कीजिए। ए रहने दो, तुम चुपचाप घर जाओ, खा पी कर सो जाओ, तुम्हें चवन्नी भी नहीं मिलेगी। देखो कॉन्ट्रैक्टर भैया, 4-5 दिन बाद आकर हमारा टैलेंट देखना, आकर देखो कि तुम्हारे अनफिनिश्ड रोड को कैसे मैं फ्लैट कर देता हूँ। यूं हरि वहां से चला गया। बाद में नारंग अखिरा से, बेटा तुमने जो कहा वो कर तो दोगे ना? नहीं तो वो 25% उसे देकर सड़क को पूरा बनवा देते हैं। पता नहीं क्यों मुझे तुम पर यकीन नहीं होता बेटा, ऊपर से अगले महीने मंत्री जी भी आने वाले हैं। मालिक, मन की बात हमेशा सच होती है, अगर मन की बात सुन ले तो सब खुश रहेंगे। ये बात सुनकर अखिरा भिक्षु को भगा भगा कर मारने लगा। तब नारंग और भिक्षु वहां से भाग गए। अगले दिन अखिरा अपने ट्रैक्टर को लेकर अनफिनिश रोड के पास आया। ट्रैक्टर में बैठकर उस अधूरे रोड के उस पार जाने लगा। ट्रैक्टर नीचे गिरते गिरते रुक गया। तब अखिरा गुस्से में, अरे इस तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से चलाऊंगा तब ठीक होगा, कहकर ट्रैक्टर को दूसरी ओर घुमाने लगा, पर वो जोर डालने की वजह से
ट्रैक्टर के पुर्जे पुर्जे निकलकर गिरने लगे। तभी भिक्षु वहां आया, वो देखकर, अरे ये क्या कर दिया छोटे मालिक आपने, इतना बढ़िया ट्रैक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे ये ट्रैक्टर नया था, देखो मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, और तुमने मुझे नसीहत दी मैं तुम्हें ट्रैक्टर और सड़क के बीच में कुचल डालूंगा। तुम तुरंत जाओ और 4 ट्रैक्टर किराए पर ले आओ। इस मिट्टी के ढेर को मार मार कर इसे फ्लैट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। तुरंत फोन लगा कर ट्रैक्टर मंगवाओ। तब भिक्षु ने फोन किया और कुछ ट्रैक्टर्स किराए पर मंगवाए। उसके बाद ड्राइवरों को वहां से भेज दिया। अब अखीरा एक एक ट्रैक्टर के साथ उस अनफिनिश्ड रोड को टक्कर मारने लगा। इस तरह सारे ट्रैक्टर एक के बाद एक खराब होते चले गए। ये देखकर भिक्षु ने नारंग को फोन लगाया। नारंग वहां दौड़ा दौड़ा आया, उसने अखीरा के करतूत देखा। अरे नामाकुल, ये तुम कर क्या रहे हो, तुमने सड़क बनाने के लिए इतने सारे ट्रैक्टरों का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे उन पैसों से ऐसे 4 सड़कें और बना सकते थे, अब जानते भी हो कि इन ट्रैक्टर वालों को कितने पैसे देने होंगे। वैसे तुम पर भरोसा करना मेरी गलती है, अगर जेसीबी वाले को 2000 रुपए देता तो इसको बराबर कर देता वो। अरे हाँ ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया पिताजी, आराम से 2000 रुपए में काम भी हो जाता और मेरा वक्त भी बर्बाद नहीं होता और इतने सारे ट्रैक्टर खराब भी नहीं होते। तो ठीक है तुरंत आप जेसीबी मंगवाओ और वो काम कराओ, कहकर वहाँ से चला गया। मालिक एक बात तो कहना होगा, बेटा बिल्कुल आप पर गया है। क्यों रे कमीने, अब तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, कहकर उसे मारने लगा। वो मार खाकर भिक्षु, आपने और आपके बेटे ने बेकार काम किया और मार मुझे रहे हैं, अगर हिम्मत हो तो बाप बेटे एक दूसरे को मारो, कहकर वहाँ से भाग गया। कार्स वर्सेस 1000 स्पीड बम्प्स। एक गांव में प्रभाकर नाम का धनवान रहता था। उसके पास कई किस्म के कार थे। प्रभाकर नित नए कार में गांव का चक्कर लगाता था। वो सड़कों पर कार को तेजी से चलाता हुआ जाता था, इसलिए बच्चे सड़कों पर खेलने से डरते थे। बेचारे गांव वाले भी बहुत डरते थे। एक दिन बिट्टू नाम के लड़के ने प्रभाकर के कार को रोका। अंकल जी, कार को इतनी तेजी से चलाना ठीक नहीं है अंकल जी, इसे सिर्फ आपको ही नहीं गांव वालों को भी खतरा है, जरा धीरे चलाएंगे तो ठीक रहेगा। तुम कौन होते हो बताने वाले कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? तुम बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। इस गांव में बड़े बड़े मुझसे बात करने से डरते हैं, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे नसीहत देते हो, जाओ जाकर अपना काम करो। पैसों का इतना गबन ठीक नहीं है अंकल जी, मैं जानता हूँ कि आपको सबक कैसे सिखाना है। अरे तुम क्या मुझे सबक सिखाओगे, जाओ जाओ। बिट्टू तुरंत गांव के सरपंच मयान के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। मैं उस प्रभाकर को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन उसकी इस रफ्तार को कैसे रोका जाए ये मेरे समझ में नहीं आता। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है अंकल जी, कहकर उनके कान में कुछ कहा। एक दिन प्रभाकर अपने कार में ऑफिस जा रहा था, तभी उसे सड़क पर बहुत सारे स्पीड बम्प्स दिखाई दिए। प्रभाकर उन स्पीड बम्प्स पे कार चलाने लगा। उन स्पीड बम्प्स के कारण वो उछलने लगा। उन स्पीड बम्प्स को पार करते ही प्रभाकर, हाय रे कमर में मोच आ गई। शाम को भी जब वो ऑफिस से लौट रहा था, उसे उन स्पीड बम्प्स को पार करना पड़ा। घर लौटने के बाद प्रभाकर अपनी पत्नी से कहकर अपने कमर में सेक लगाने को कहा। इस तरह प्रभाकर हर रोज उन स्पीड बम्प्स में जाने लगा। एक दिन प्रभाकर मयांक से, ये क्या सरपंच जी, आपने सड़क पर इतने सारे स्पीड बम्प्स लगवा दिए, हर रोज इनमें कार चलाते चलाते मेरी कमर टूट गई है, मेरे सारे कार भी खराब हो रहे हैं।
सरकार के ऑर्डर के अनुसार ही मैंने उन्हें लगवाया है। उस सड़क के पास जंगल है ना, कह रहे थे कि जंगली जानवर उस सड़क से गुजरते हैं। आप जैसे तेज गाड़ी चलाने वालों की वजह से कहीं उन्हें कोई खतरा ना हो, ये सोचकर उन्हें बनवाना पड़ा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक दिन प्रभाकर ने एक फॉरेनर को अपने कार में बिठाया और उन स्पीड बम्प्स के ऊपर से जाने लगा। स्टॉप द कार, करके चिल्लाया नीचे उतर कर। What is this, प्रभाकर? ये स्पीड ब्रेकर्स नहीं लगते, लगता है कोई झूले में झूल रहे हैं। अगर तुम्हारे साथ मिलकर मैंने इस गांव में बिजनेस किया तो मुझे हर रोज इन सड़कों पर से जाना होगा। अब बदन के सारे हड्डियों का टूटना लाजमी है, इसलिए अपना डील कैंसिल कर रहा हूँ। गुड बाय, कहकर चला गया। ये सुनकर प्रभाकर दंग रह गया। एक दिन डॉक्टर ने प्रभाकर की जांच की। अब आप कार नहीं चला सकते, आपके रीढ़ के हड्डियों के सारे डिस्क घिस गए हैं। मैं जैसा कहूं अगर आपने नहीं किया तो एक ना एक दिन आप खाट पकड़ लेंगे। बाप रे, वो स्पीड बम्प्स ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब मैं कार में नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में ही ऑफिस खोल लेता हूं। उस दिन से प्रभाकर अपने घर से बाहर नहीं निकला। उसने अपने सारे कार बेच दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। बच्चे खुशी खुशी सड़कों पर खेलने लगे। मयंक ने उन स्पीड बम्प्स को निकाल दिया। गांव वालों ने बिट्टू की प्रशंसा की।